गुड आफ्टरनून मैम। ओके, वेलकम टू द सेमिस्टर फोर। दैट योर सेमिस्टर थर्ड इज ओवर एंड बिफोर स्टार्टिंग सेमिस्टर फोर आई वांट टू से समथिंग एंड बी रिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसे अभी आप अगले साल में that you will be the next time or the next year in the TY, and before that, when you are going in the TY, before that, that your each and every subject should be clear, that whether it is internal, whether it is external, so it should not be burdenous for you in the next year. Okay, so and one thing is that those who are present right now, na, the chat box is given to you, am I right? Chat box. 12 students are here. That write down your roll number and name in the chat box. Write down your roll number and name in the chat box. Okay, so at least I can understand in a much better way. So, I come to know that after giving so many instructions that the student don't understand or they don't want to understand, I don't know that कि बहुत बार बताने के बाद भी या बहुत समझाने के बाद भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है कि बाबा, फॉर एग्जांपल, जैसे आपको थर्ड सेमिस्टर में आपको ऐसा थोड़ा सा लिबरल रखा था कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, लेकिन हमें ये पता चल चुका है कि जैसे आप एग्ज़ाम तो सभी ने दिया है ना, एग्ज़ाम सभी ने दिया है कि नहीं, क्लियर है ना, सब एग्ज़ाम दिया है कि नहीं, यस और नो? यस मैम। हाँ, तो जब आपके पास एग्ज़ाम के टाइम में आपके पास नेटवर्क हो सकता है, आप स्टेटस चेंज कर सकते हैं, आप बहुत अपने अपडेट डाल सकते हैं, तो वहाँ पे नेटवर्क है तो फिर अटेंडेंस के लिए भी या लेक्चर अटेंड करने के लिए भी आपके पास नेटवर्क होना चाहिए। आई होप सो। अभी ये नेटवर्क का इश्यू चलने वाला नहीं है। अभी एक बात दूसरा याद रखें कि इस साल, अभी इस सेमिस्टर में attendance is mandatory for all students. Those who are not attending the lectures regularly, they can't give the exam or they can't sit in the examination, and it is strictly followed by the teachers and principal sir. So you should be aware, attendance means not, it is that means though you are online and you are giving the phone somewhere else and you are moving around or moving somewhere else, that is not the attendance. Okay, so keep in the mind that all the lectures should be conducted properly, and whatever the lectures you are going to attend, that your attendance is also recorded there. Okay, in the last time we were sending that Google Sheet, and those who are not present, they are also filling that presenting. So don't do this. That write down your roll number in the chat box, so at least we can understand in a much better way. Yes, how many students are how many students are attending the lectures? Okay, अभी बात रही अपनी एफ सी की पर्टिकुलर। आपको मैंने अभी 13 तारीख आपकी लास्ट डेट है MRA सेमिस्टर फोर का प्रोजेक्ट का 13 तारीख लास्ट डेट है। एम आई राइट और नॉट? यस और नो? मुझे yes. हाँ, बात करते रहे तो मुझे समझ में आए। तो 13 तारीख लास्ट डेट है, तो उससे पहले पिछली बार आपने थोड़ा सा कॉपी पेस्ट किया था वगैरह वगैरह वगैरह, इस बार नहीं चलेगा। आप खुद टाइप कीजिए वर्ड में, आपको अभी ये सब कुछ ऑनलाइन चल रहे थे, आप सीख लीजिए, टाइप कीजिए, 8-10 दिन में आपको हो जाएगा। और घर में बैठे वैसे भी आपको कुछ काम नहीं है, तो फिर ये काम कीजिए। क्योंकि अगर मैंने लास्ट डेट तो भी आपको कि आपका अभी एग्जामिनेशन चलने वाला है, होने वाला है, और आप प्रोजेक्ट मुझे सबमिट करें, तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो 1.5-2 महीने से पहले आपका जब इंटरनल सबमिट हो जाता है, मीन्स यू आर टू मच रिलैक्स ऑन द एग्जामिनेशन टाइम। समझ में आ रहा है? यू आर टू मच रिलैक्स ऑन द एग्जामिनेशन टाइम। ये आपका हमेशा होना चाहिए। आपको मैं हमेशा या ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन में कि आपका बर्डन नहीं होना चाहिए। ओके, सो कुछ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल, कि कुछ लोगों ने इस बार मीडियम भी चेंज किए थे, मीडियम चेंज किए थे ना, कि जो मराठी के हैं उन्होंने भी इंग्लिश में पेपर दिया था। यस और नो?
कुछ दिए थे कुछ बच्चों ने मराठी के जो पेपर थे। ओके यहाँ पे पार्टिसिपेंट 14 दिख रहे हैं और चैट में 17 बच्चे, कौन है भाई कौन है? तो जितना है उतना ही भरो अटेंडेंस, जितने लोग हैं उतना ही अटेंडेंस लगाओ। ओके दूसरी बात है कि आप अपना मीडियम मत चेंज कीजिए। मुझे एक बात बोलना है कि अगर आप प्रोजेक्ट के लिए, ठीक बात है कि हाँ प्रोजेक्ट के लिए आप लिख रहे हैं, आपको टाइप करना है, उसका मैं आपको लिबरल देती हूँ, लेकिन जब आप मीडियम की बात करते हैं, आप जब पेपर देते हैं तो स्टिक टू वन मीडियम के अकॉर्डिंग टू सिद्धार्थ। अभी सब मेरे फ्रेंड्स भी इंग्लिश में दे रहे हो, मैं भी इंग्लिश में देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपका मराठी मीडियम है तो मराठी मीडियम ही होना चाहिए। और आपको शायद अंदाजा आ गया होगा या फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया कि जैसे सेमिस्टर थर्ड का जो क्वेश्चन बैंक था, ओके एंड डोंट डिपेंड टू मच ऑन द क्वेश्चन बैंक, क्योंकि पूरा का पूरा आपने पेपर सेट देखा ही होगा, देखा था ना? यस ओ नो? अलीजा, अल्फिया, बाकी के हैं कि नहीं, आयशा, आफिफा, तो आपने पेपर सेट देखा ही होगा कि हाँ सब पूरा का पूरा कहाँ से बुक में से निकला था, एम आर आई बुक में से ही आपको पूछा गया था, तो पूरा का पूरा बुक पे ही डिपेंड रहिए। मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, जैसा थर्ड सेमिस्टर में हुआ कि कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं कैसा वैसा पास हो गया, कैसे वैसे मीन्स हमने लेक्चर नहीं अटेंड किया तो भी हम पास हो गए, तो उस मार्क को कुछ कंसिडरेशन नहीं, उस मार्क को कुछ कंसिडरेशन नहीं। अगर सही में आप एक्सेलेंस के पीछे भागे, क्वांटिटी के पीछे मत भागे, क्वालिटी के पीछे भागे। मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे जब मैं इंटरनल भरने बैठी थी तो इंटरनल में मुझे ऐसे बहुत कुछ बच्चे थे कि ऐसे 4-5 बच्चे थे कि हर बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी उनको ये समझ में नहीं कि मुझे कब मेरा क्लियर करना है, मेरा केटी लगा तो मुझे और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कोई भी बच्चा हो, मैं नाम तो अभी मैं लूँगी ही नहीं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन आपका इंटरनल एक्सटर्नल से पहले आपका इंटरनल क्लियर होना चाहिए। Am I clear? इंटरनल से पहले आपका इंटरनल क्लियर होना चाहिए। अभी ये लास्ट डेट है, अभी ये लास्ट टाइम है, फिर आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क्स किस पे दिए जाते हैं? जो आप प्रैक्टिकल करते हैं और जो जर्नल्स लिखते हैं उस पर ही दिए जाते हैं ना, उस पर ही दिए जाते हैं ना कि आपने कितना सही रखा है या नहीं रखा है। दूसरा कि अभी मुझे कोई हड़ने वाला या मुरुड वाला ये कोई भी मुझे एक्सक्यूज़ नहीं देगा कि मैडम मुझे नेटवर्क नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम में आपके पास नेटवर्क था तो लेक्चर के लिए भी आपके पास नेटवर्क होना चाहिए। अभी मैं टॉवर्स आपके घर के बाहर नहीं लगवा सकती कि चलो भाई आपके लिए नेटवर्क नहीं है बैठो। मुझे कुछ बच्चे ऐसे भी बाजार में घूमते हुए दिखाई देते हैं कि जब लेक्चर का टाइम होता है या कुछ और होता है तो बाहर घूमते रहते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। बी ऑनेस्ट टूवर्ड्स योर वर्क, कि आपको काम करना है तो आप ठीक से काम कीजिए। ओके और ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे, वैसे आप बहुत समझदार और अच्छे बच्चे, ऑबिडियंट बच्चे, तो आपको जल्दी से समझ लेगा। ओके इस बार भी सेमिस्टर 4 में 4 यूनिट हैं, आप नाम लिखिए, राइट डाउन द सिलेबस, नोट पेन आपके पास रखिए, राइट डाउन द सिलेबस, राइट डाउन द सिलेबस, यूनिट सेमिस्टर 4, 4 यूनिट, यूनिट नंबर वन सिग्निफिकेंट कंटेम्प्ररी राइट्स ऑफ सिटीजन, सिग्निफिकेंट कंटेम्प्ररी राइट्स ऑफ सिटीजन लिखे हुआ Yes or no? Okay. Unit number 2. Approaches to understanding ecology. Unit number 3. Science and Technology Part 2. And last wala, unit number 4, introduction to competitive exams.
ठीक है, ये समझ में आया आपको? चार यूनिट हैं आपके एफसी में, तो उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, दूसरा कि कुछ बच्चे कि मैंने आपको क्वेश्चन बैंक भेजा था, क्वेश्चन बैंक ग्रुप में भेजा था, यस और नो? क्वेश्चन बैंक भेजा था सेमिस्टर थर्ड में? यस मैम। हाँ, कुछ कुछ बच्चों ने मुझे ऐसे वाहिया सवाल किए कि मैडम इसमें से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ऐसे सवाल मुझे मत करिए, ऐसे सवाल आप नहीं पूछ सकते। अभी मैं आपको पेपर नहीं लीक कर सकती क्या इसमें से कितने सवाल आएंगे, आपको बी रेडी, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तभी हमको समझ में आती है कि अभी मुझे करना क्या है। जब तक प्रॉब्लम ही नहीं आती तब तक आँख बंद करके बैठे हम सब, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कितने क्वेश्चन आने वाले वो क्या बताने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जांपल 180 का आपको 180 का आपको क्वेश्चन बैंक दिया है, आप बुक लेके बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा अगर आपने पढ़ा होगा कोई भी सब्जेक्ट हो, मेरा एफ सी सब्जेक्ट का मैं बात ही नहीं करूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो तो आपको समझ में आना कि अगर हाँ मेरे पास बुक है। आप वैसे भी बाहर जब घूमते हैं तो ऑब्वियसली जो बच्चे अभी लेक्चर अटेंड नहीं करें उनके लिए भी मेरा मैसेज आप ज़रूर उनको दीजिए कि आप लाइब्रेरी में आए बुक लेके जाएं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में आके भी आप मुझसे बुक ले सकते हैं, लेकिन वो मेरे लिए लिमिटेड होगा डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में। लेकिन अपनी लाइब्रेरी यहाँ पे जैसे टाइम हमका कॉलेज का दिया है तो वहाँ पे लाइब्रेरी ओपन रहती है, तो आप आइए और नोट्स लेके जाइए। मुझे सिर्फ ये करना है कि आप जब ग्रेजुएट हो जाओगे तो फिर हेलो या शैलो ग्रेजुएट नहीं होना है, शैलो हेलो ग्रेजुएट नहीं होना है कि उसमें आपको समझ भी नहीं आएगी केमिस्ट्री में क्या, फिजिक्स में क्या, बॉटनी में क्या, एफसी में क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरा का पूरा जैसे हम कोई भी चीज़ जैसे निचोड़ के वहाँ पे निकलते हैं तो वैसा सब कुछ आपको आना चाहिए कि इससे रिलेटेड क्या होगा। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट यूनिट, दैट यूनिट नंबर 1, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। राइट्स ऑफ कंज्यूमर, स्लाइड दिख रही है आपको? स्लाइड दिख रही है? यस मैम। ओके, सो कंज्यूमर की बात करें तो यू एंड आई ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ कंज्यूमर इन अवर डे टू डे लाइफ। वी ऑल आर प्लेइंग द रोल ऑफ कंज्यूमर इन डे टू डे लाइफ, कि हमारी लाइफ में हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम कंज्यूमर का रोल प्ले करते हैं। अभी हम महात्मा गांधी जी के कोर्ट्स में देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, द कस्टमर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजिटर ऑन आवर प्रीमाइसिस, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम, ही इज नॉट एन इंटरप्शन इन आवर वर्क, ही इज द पर्पज ऑफ इट, वी आर नॉट डूइंग हिम फेवर बाय सर्विंग हिम, ही इज डूइंग अस फेवर बाय गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व हिम। तो उनकी भाषा में जैसे महात्मा गांधी जी ने क्या बताया कि जो ग्राहक होता है जिसको हम बोलते हैं ग्राहक, तो वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट विजिटर है हमारे प्रीमाइसिस के लिए, वो हम पे डिपेंड नहीं है लेकिन हम उस पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल टू वे जैसा कम्युनिकेशन होता है, एक कॉइन का दो साइड रहता है, वैसे कस्टमर और शॉपकीपर, तो ज़्यादातर जो शॉपकीपर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि उसको मेरी ज़रूरत है, नहीं लेकिन हमको उसकी ज़रूरत है। सो गांधी जी ऐसा बताते हैं, वी आर नॉट डूइंग हिम फेवर बाय सर्विंग हिम, हम उसकी सेवा नहीं करें लेकिन वो हमें अपने एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम उसको सर्व कर सकें। कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी जो चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल सुई और धागा, तो जैसे कपड़ा सीने के लिए सुई ना हो तो कपड़ा सिल पाएंगे, यस और नो? यस हो, यस और नो? कपड़े सिलने के लिए दोनों की ज़रूरत है, दोनों की जगह अगर सुई है धागा नहीं है तो क्या हम सिल पाएंगे? नहीं, तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। वैसे शॉपकीपर और कस्टमर दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। द आइडिया ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैन बी फाउंड टू हैव एग्जिस्टेड इन द एवरी काइंड ऑफ सोशल ऑर्डर एंड जुडिशियल मैकेनिज्म, वेदर प्रिमिटिव और मॉडर्न। हाउएवर द एक्सटेंट टू विच इट हैज़ बीन एम्फसाइज्ड, द डेवलप हैज़ वैरीड डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। इन द प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड देयर वॉज नो कंज्यूमर
as we see in the modern times. There was no manufacturing for the sale. There were no services, no purchase system. The growth of the market economy created an increase in the requirements of men and women who were not in the position to fulfill their requirements themselves. They were under compulsion to purchase the goods and services. This incapability of man's part to produce all the goods and services that were required turned out to be the major reason for the economic growth of the society. The labor was divided and the specialization became the rule of the day. Wealth was distributed among the members of the society. In this process of selling and buying, both the seller and buyer have a right to legitimate the expectation. The seller's right to get the value for the goods and services sold by him in the terms of money or otherwise. The corresponding right of the buyer is to get the value of the money which he pays. This will include an expectation for the right quality, right quantity, right price, information about the mode of use, etc. When this right is violated, it is the duty of the state through law to come forward to help the consumer who are exploited. तो इसका मतलब बताने का मतलब ये इसमें क्या बताया कि why the importance of consumer right is necessary. कि जैसे हम ग्राहक कि आपके एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं ग्राहक होने के कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ग्राहक के तौर पे क्या सोचते हैं आपको कैसी चीज़ें मिलनी चाहिए कैसी चीज़ें मिलनी चाहिए आपको. हेलो हेलो ग्राहक के तौर पे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है ग्राहक के तौर पे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्राहक हूँ तो मैं ये सोचूंगी कि जितना मैं खरीदी करती हूँ या मैं खरीदना चाहती हूँ जितनी चीज़ें वो सही ढंग में हो वो क्वालिटी अच्छी हो उसकी क्वांटिटी अच्छी हो उसका रीजनेबल प्राइस हो उसकी इंफॉर्मेशन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा किसी और तरीके से मिले. तो ये मेरा सोचने का तरीका है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग एज अ कंज्यूमर टू गिव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग्स गेट द राइट क्वांटिटी गेट द राइट क्वालिटी एंड गेट द राइट प्राइस ऑल्सो. कि समटाइम वी परचेज द थिंग ऑनलाइन अभी तो ये मोड चल रहा है ट्रेंड चल रहा है कि ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं लेकिन कुछ चीज़ें हम ऑनलाइन दे तो वो ज़्यादा बेहतर है या फेस टू फेस जब हम वो चीज़ें खरीदते तो वो ज़्यादा बेहतर है क्या ज़्यादा बेहतर है आपके हिसाब से. टॉक विथ मी क्या हिसाब क्या क्या ज़रूरी है कैसे आप चीज़ें लेना पसंद करेंगे. कुछ चीज़ें कि फॉर एग्जांपल जैसा ड्रॉबैक और फीडबैक होता है उसका कि फॉर एग्जांपल पॉजिटिव और नेगेटिव वेव्स बोथ में रहते हैं दोनों में रहते हैं कि फॉर एग्जांपल फेस टू फेस चीज़ें खरीदते तब भी रहते हैं और जब ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं तब भी रहते हैं. तो आपको ज़्यादा बेहतर क्या पसंद है ऑनलाइन या फेस टू फेस अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी एज एन इंडिविजुअल व्यू आपको क्या पसंद है. हेलो आप क्या किस तरह से पसंद करेंगे फेस टू फेस बिकॉज इट इज ट्रस्टवर्दी हाँ समझ में आता है कैसा क्वांटिटी कैसा क्वालिटी है हम चीज़ों को जांच सकते हैं हाथ में लेकर उसको जांच सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है. कि जब हम पास्ट और प्रेजेंट की बात करते हैं तो पास्ट में मार्केट कैसा था देर वॉज नो मैन्यूफैक्चरिंग फॉर द सेल मार्केट स्मॉल था ओके अभी का जो मार्केट है वो क्या है इंक्रीज हो रहा है बढ़ रहा है. मार्केट पास्ट की बात करें या कुछ साल पहले की बात करें तो मार्केट स्मॉल था क्योंकि लोग कम थे लोगों की जो इच्छाएं थी वो कम थी मैन्युफैक्चरिंग कम था सेलिंग कम था. तो जब डिमांड और सप्लाई कि जितना डिमांड बढ़ता है उतना सप्लाई बढ़ता है ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि जितना डिमांड बढ़ेगा उतना सप्लाई बढ़ेगा. सप्लाई कब होता है कि फॉर एग्जांपल डिमांड होती है तभी ज़्यादा सप्लाई होता है. अगर डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई कैसे होगा कम होगा. कि फॉर एग्जांपल अभी का जो लॉकडाउन का टाइम था
जो हमारी लाइफ में जो ज़्यादा बेहतर नहीं, बेहतर नहीं बोल सकते, पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वही पर्टिकुलर शॉप उस टाइम चालू था, एम आई राइट? 2 दिन 2 2.5 3 महीने की, फॉर एग्जांपल मेडिसिन, दूसरा है वेजिटेबल्स शॉप, फिर होता है फूड ग्रेन का, हम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं पर्टिकुलर, जो घर में लगने वाली चीज़ है, जो हम बोलते हैं कि सिर्फ खाना, ये इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वही शॉप चालू था। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि उस जब हम पास्ट और प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमको बहुत सा लॉट ऑफ वी कैन सी द लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सिचुएशन, पास्ट सिचुएशन एंड द प्रेजेंट सिचुएशन। नाउ डेज व्हाट हैपन, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग द सिंपल एग्जांपल, ओके, हम लड़कियों के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल आवर कबर्ड इज फुल ऑफ द क्लोथ्स, बट डो व्हाट वी स्पीक नॉर्मली, व्हाट वी स्पीक व्हेन वी गो आउटसाइड, व्हाट वी स्पीक, विच आर द वर्ड्स अटर विच आर द वर्ड्स वी अटर, क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बताइए मुझे, सबका जनरल में क्या बोलते हैं हम लोग, लड़के हैं नहीं, सब लड़के भी आते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, हमारे साथ ढेर सारे कपड़े, फिर भी हमारे शब्द क्या होते हैं, क्या होता है हमारे शब्द, क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं, सब क्या होते हैं हमारे, बताइए, आप सुन रहे हैं ना, डू यू लिसन, यस और नो, डू यू लिसन, क्या होते हैं यस हमारे मैम, शब्द, क्या होते हैं हमारे शब्द, क्या होते हैं हमारे, मेरे पास तो क्या होते हैं शब्द, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, ज़्यादातर बोलते हैं हम लोग ये वर्ड्स बोलते हैं, ज़्यादातर ये वर्ड्स बोलते हैं, यस और नो, यस मैम, हाँ, मीन्स वी आर नॉट सेटिस्फाइड, आवर डिजायर्स आर मोर एंड वी दैट्स वाई वी आर डिमांडिंग मोर, ओके, कि फॉर एग्जाम्पल जब जब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे तभी हमको ये समझ के ये क्यों जरूरी है, डिमांड और सप्लाई क्यों जरूरी है। अभी नीचे आपको एक सेंटेंस दिया गया है कि जैसे हमारा जो हक दिया गया है, ग्राहक को जो हक दिया गया है कि अच्छी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो कलेक्ट करनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाला चीज़ मिलना चाहिए, अच्छी क्वांटिटी वाला चीज़ मिलना चाहिए, रिजनेबल प्राइस पे मिलना चाहिए, ये हमको हक दिया गया है, लेकिन विच आर द राइट्स ऑफ शॉपकीपर, उसकी ड्यूटी क्या है, उसको कौन से हक दिए गए, तो वो हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेट्स सी, ये देखिए द प्रिंसिपल्स ऑफ कैवियट वेंडर एंड कैवियट एम्प्टर, द अनरिजॉल्व क्वेश्चन थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर जुरिसप्रूडेंस वॉज रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ द लीगल लाइबिलिटी अमॉन्ग द डिफरेंट प्लेयर्स एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। द आंसर डिपेंड अपॉन द चेंजिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज of each state. An example would be shifting of legal liability from buyer to the seller by applying doctrines of caveat emptor and caveat venditor. तो जब हम supply और demand की बात करते हैं, so here from supply to demand or demand to supply, the question always arise. Okay, which multiple questions arise regarding legal to रिगार्डिंग टू बायर एंड रिगार्डिंग टू सेलर। जैसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस जैसे सोसाइटी में होते हैं, उसके हिसाब से ट्रेंड बदलता है, उसके हिसाब से समाज बदलता है, उसके हिसाब से सब कुछ मार्केट चलता है। जैसे आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा, शेयर मार्केट सुना है, शेयर मार्केट आप पैसा वहाँ पे लगाते हो, कभी एक्सपीरियंस किया है शेयर मार्केट, यस और नो, यस और नो, हेलो, यस और नो। जैसे हम फॉर एग्जांपल कभी कभी शेयर मार्केट को ऊपर चला जाता है, कभी कभी लोअर पे आ जाता है,
हाँ, अगर फ्लो में है तो आपके पास सब कुछ है, फ्लो में नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं। तो जैसा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन रहता है वैसा ही आपका डिमांड और सप्लाई, बायर और सेलर दोनों पे इम्पैक्ट दिखाई देता है। अभी हम कैवियट एम्प्टर मतलब क्या, द डॉक्ट्राइन ऑफ कैवियट एम्प्टर सेज दैट द बायर कैन नॉट रिकवर द प्राइस पेड फ्रॉम द सेलर फॉर द डिफेक्ट इन द गुड्स सोल्ड। द बेसिक अंडरलाइन प्रिंसिपल इज दैट द बायर हैड टू एक्सरसाइज हिज नॉलेज विद द केयर बिफोर बाइंग द गुड्स। वंस ही बाइज इट एंड फाइंड द गुड्स टू बी डिफेक्टिव ही हैज टू एक्सेप्ट द लॉस एज द कॉस्ट ऑफ हिज केयरलेसनेस। दिस प्रिंसिपल वॉज प्रिवलेंट इन द इनलैंड इन द मिडिवल पीरियड एंड वॉज फॉलोड बाई द कोर्ट्स फॉर मैनी सेंचुरीज। द मेन रीजन फॉर द एमरजेंस ऑफ दिस डॉक्ट्राइन वॉज ड्यूरिंग दोज डेज द मार्केट वॉज स्मॉल एंड द कंज्यूमर कुड पर्सनली इंस्पेक्ट द गुड्स बिफोर बाइंग। इन द केस ऑफ डिफिट ओनली ऑप्शन वॉज आइदर टू स्यू फॉर फ्रॉड और ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट टू स्यू फॉर द फ्रॉड द सेलर शुड हैव इंटेंशनली कंसील्ड एनी डिफेक्ट इन द गुड्स सोल्ड एंड टू स्यू फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द बायर शुड हैव हेल्ड द रिटर्न वारंटी। द बायर हैड नो रेमेडी वैन देर वॉज नो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट विच गिव द वारंटी और वैन द सेलर कुड प्रूव दैट देर वेर नो एफर्ट ऑन हिज पार्ट इंटेंशनली कंसील एनी पैटर्न और लेटेंट डिफेक्ट इन द गुड सोल्ड। इसका मतलब हुआ कि कैवियट एम्प्टर कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बायर हैं, ओके वी आर कंज्यूमर, तो ये जो डॉक्ट्राइन था ये जो मैटर थी, तो इंग्लैंड में क्या मैटर थी मिडिवल पीरियड में कि अगर बायर चीज़ें खरीदी करता है, हाँ परचेस करता है, तो वो उसकी ड्यूटी बन जाती है कि फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम चीज़ें खरीदने जाते हैं तो इतना हम बोलते कि उतावले हो जाते हैं ना कि कभी कभी हम वैसे की वैसे ही चीज़ लेके आ जाते कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में से आपको कुछ ऑर्डर दिया गया कि आप बाज़ार में जाए तो आप सब्जी लेके रहो, ओके तो सब्जी फॉर एग्जाम्पल आप सब्जी सब्जी वाले के पास गए, सब्जी लिया आपने पर उस सब्जी को देखा नहीं आपने ठीक से, उस अपने जो बंदा है आपने जितना मांगा उसने उतना पैक करके दिया पर सही में उतना था या नहीं था कैसा था वो आपने चेक करके नहीं दिया। फिर आपको घर आके पता चला कि सब थोड़ा सा सब्जी आपका ख़राब है तो फ्रेश है कि नहीं या नहीं है ये आपको समझ में नहीं आया। तो ये बायर की जिम्मेदारी रहती है, हम कंज्यूमर की जिम्मेदारी रहती है कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ें खरीदें, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और उसके लिए उसको पैसा मिलना चाहिए, उसको पैसा मिलना चाहिए। अगर डिफेक्टिव वो पीस है तो कुछ आपको शायद पता होगा कि ऑनलाइन में ऐसा होता है कि आप डिफेक्टिव हो गया तो वो वापस करके आपको मिल जाता है पैसा। अगर सेकंड पीस है या सेकंड ऑप्शन है आपके लिए वैसा का वैसा तो आपको मिल जाता है, नहीं तो पैसे ज़्यादातर आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अगर आप डिफेक्टिव पीस लेते तो आपको ज़्यादातर पैसे मिलते हैं यस और नो, पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? डिफेक्टिव पीस है तो आपके पास पैसे मिलते हैं कि नहीं, आपने जो पेड किया है वो पैसा मिलता है? हाँ डिफेक्टिव पीस है तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन कुछ थोड़ा छोटा छोटा प्रॉब्लम होगा तो वो आपको पैसे वापस देगा, शॉपकीपर आपको पैसे वापस देगा यस और नो, शॉपकीपर आपको पैसा वापस देगा यस और नो, यस और नो, आप हैं ना यहाँ पे, आपको नहीं देगा पैसा वापस, ओके छोटा मोटा है तो आपको पैसा वापस नहीं देगा, लेकिन कुछ बड़ा डिफेक्टिव है तो आपको पैसा जरूर वापस, लेकिन ये आपकी ड्यूटी है कि आपको चीज़ें देख के लेनी चाहिए। अभी हम चेंजिंग परसेप्शन मतलब क्या, बाय द अर्ली पार्ट ऑफ 16th सेंचुरी द कोर्ट्स इन इंग्लैंड स्टार्टेड डेविएटिंग फ्रॉम द अबव सेड प्रिंसिपल। द कोर्ट कंसिडर्ड द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज एजम्प्टिव एंड अनरिटन वारंटीज वर इम्प्लाइड टू द सर्टेन एक्सटेंट। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंक्रीज द कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द मैन्युफैक्चरर्स। द कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द मैन्युफैक्चरर्स रिजल्टेड इन द कंज्यूमर गेटिंग वराइटी ऑफ ऑप्शन। दिस चेंजेस
were reflected in the policy of the court as well. For example, in the 1929 John B. Bryant, the court finally accepted that there is an implied merchantability of goods was also introduced in this case for the first time. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जैसे चेंजिंग परसेप्शन, जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसा लोगों का देखने का नज़रिया, लोगों के सोच, रहने रहने पहने का ढंग सब कुछ चेंज हो जाता है. कि फॉर एग्जांपल जब आप 60-70s की फिल्म देखते हो तो ट्रेडिशनल लुक में आपको पर्सन दिखाई देते. कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल, दैट कुर्ता एंड धोती समथिंग लाइक दैट, ओके, दैट इज ट्रेडिशनल लुक ऑफ इंडियन. बट जब हम अभी मॉडर्न टाइप की बात करते हैं तो मॉडर्न टाइप में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. ओके, अभी जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लेडीज़ की बात करते हैं तो हमारा जो ट्रेडिशनल लुक है, तो हमारा ट्रेडिशनल लुक है साड़ी या सलवार या ये है या कुर्ता है. लेकिन अभी बच्चियाँ या अभी का जो ट्रेंड है तो वन पीस शॉर्ट स्कर्ट, दैट दे आर ऑल्सो फॉलोइंग दैट वेस्टर्न कल्चर. तो ट्रेंड के हिसाब से अभी बहुत सारे चेंजेस हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं. आगे देखते हैं, दिस चेंजेस इन द अप्रोच टू द कोर्ट्स लेड टू द एनेक्टमेंट ऑफ द इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1896. द एक्ट स्पेसिफिकली सेज दैट द गुड्स सोल्ड मस्ट बी मर्चेंटेबल क्वालिटी. It also says that if the buyer makes the seller aware of the purpose for which he buys the goods, there is an implied condition that goods sold are fit for the purposes. In fact, this was the first step towards the death of the principle of caveat emptor. तो यहाँ पे ऐसा आपको बताया गया है कि एक एक्ट पास हुआ था, सेल ऑफ गुड एक्ट, जो 1893 में पास हुआ था. तो यहाँ पे बताया गया कि वो जो बायर जो चीज़ें खरीदता है तो सेलर को उसको अवेयर करना चाहिए कि ये किस वजह से आप इतना अच्छा माल खरीदते हैं. कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बायर में भी बहुत प्रकार के मीन्स टाइप के बायर होते हैं. कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हमारे कास्ट सिस्टम है, कि जैसे हम बोलते हैं कि हायर कास्ट, फिर मिडल क्लास और फिर पुअर क्लास, इस तरह के आते हैं. वैसे बाहर भी वैसे हमको इस टाइप में दिखाई देते हैं. कि फॉर एग्जांपल जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं या फॉरेन प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जिसको हम मिडिल क्लास के लोग खरीद नहीं सकते. तो उसके लिए हम बोलते हैं कि हायर मिडिल क्लास या समथिंग सेलिब्रिटीज और बिजनेस टॉप लेवल बिजनेसमैन वही खरीदी करते हैं. वो उनका जो हम बोलते हैं कि प्लेस बना चुके हैं मार्केट में. कि फॉर एग्जांपल जैसे हम मिडिल क्लास के लोग तो हम सभी चीज़ें क्या मॉल में से खरीदते हैं? नहीं, कुछ चीज़ें हम मॉल में से खरीदते हैं, कुछ चीज़ें हम दुकान में से, ज़्यादातर हम दुकान में से खरीदते हैं. पर जो हम बोलते हैं कि जो नीचे हैं या गरीब जो गरीब लोग हैं तो उनके लिए दो वक्त का खाना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है. और जब वो क्वालिटी मीन्स वो जब खरीदी करते हैं खरीदारी करते हैं तो वो क्वालिटी में फर्क दिखाई देता है. कि फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल देती हूँ कि टूथब्रश है. कि फॉर एग्जांपल जो टूथब्रश हम डेली इस्तेमाल करते हैं तो आप मुझे बताएं कि ओरल बी का टूथब्रश कितने में आता है? आप मुझे प्राइस बताएंगे? सिर्फ मैं ही बोलती जा रही हूँ. ओरल बी का टूथब्रश कितने में आता है? कितना आता है, कितने में आता है, कितने में आते हैं ओरल बी का? कितने में आते हैं ओरल बी का बताइए मुझे. हेलो, आई थिंक प्राइस क्या है, प्राइस क्या है ओरल बी का, प्राइस क्या है? आर यू लिसनिंग टू मी? कितना है, कितना पता है? 50-60 या 60-70? कितने का आता है ब्रश, एक ब्रश कितने का आता है? आई थिंक 60 रुपीज़. पर लेकिन वही टूथब्रश हम दूसरा कंपनी का लेने जाए तो कितने में आ जाएगा? 30 तक आ जाएगा?
30-35 तक या 25 तक, ओके। और जो रास्ते पे बेचने वाले जो टूथब्रश होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 रुपए में या 20 रुपए में आ जाएगा, ओके। सो दैट इज़ अ क्वालिटी, यहाँ पे हमको क्वालिटी दिखाई देती है, ओके। आगे का बात करते हैं हम लोग, कैवियर 22। दिस डेवलपमेंट गिव वे द एमरजेंस ऑफ द अनदर प्रिंसिपल नोन एज कैवियर 22, विच मीन्स लेट द सेलर बी अवेयर दिस शिफ्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द कैवियर एमिटर टू कैवियर 22 वॉज नॉट द ओवरनाइट चेंज, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ मैनी पॉलिसीज चेंजेस बाय द स्टेट एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉलिसीज इन दिस डिसीजन ऑफ द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। कैवियर 22 इज स्टिल डिवलपिंग प्रिंसिपल। जितना हमको अवेयर होना चाहिए, जैसे कैवियर एमिटर मीन्स रिलेटेड टू द बायर एंड कैवियर वेंडिटर, वेंडिटर मीन्स वेंडर जिसको हम बोलते हैं जो सेलिंग करने वाला सेलर, ये प्रिंसिपल अभी भी डेवलप हो रहे हैं, इतना डेवलप नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि कभी भी जो चेंज आता है तो वो कोई एक दिन में नहीं आता है, उसके लिए बहुत सारी दिन गुजरे हुए थे, बहुत सारी रातें गुजरी होती है कि फॉर एग्जांपल मेनी पॉलिसीज आर चेंज ड्यूरिंग दिस टाइम। कि फॉर एग्जांपल आपको एक फॉर एग्जांपल जो हम बोल रहे हैं कि अभी का जो टाइम चल रहा है, हमारा जो पीरियड चल रहा है लॉकडाउन का, जो पीरियड सबसे चल रहा है, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे पहले लॉकडाउन हुआ था जो मार्च अप्रैल की हम बात करें, तो वी वर नॉट कंफर्म एट दैट टाइम वेदर द एग्जाम शुड बी कंडक्टेड और नॉट और समथिंग लाइक दैट, ओके। सो मैनी पॉलिसीज वर चेंज और द डिसीजन्स वर टेकन बाय द यूनिवर्सिटी एंड लेटर ऑन दे डिक्लेयर दैट, ओके। सो विच एग्जाम शुड बी कंडक्टेड and on which time, so that is the thing. This is a simple example, at least you can understand कि अगर मुझे वहाँ पर change चाहिए तो उसके लिए बहुत सारी policies काम करती है। ये जो decision होता है किसी एक का decision नहीं होता है। कि for example जितना seller, जितना ग्राहक consumer जितना aware होता है, उतना जो seller होता है उसको भी उतना ही aware होना चाहिए। अभी वो क्या है तो हम next point में देखने वाले हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस मैम। ओके, द जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मेक अटेम्प्ट्स टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर बाय गिविंग मोर एंड मोर राइट्स टू देम। The reason is that in the today's mass production economy, where there is a little contact between the producer and the consumer, seller very often make exaggerated claims and advertisements that they do not intend to fulfill. This leaves the consumer in the difficult position with very few avenues for the redressal. So, यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जैसे कस्टमर कस्टमर और जो मैन्युफैक्चरर जो प्रोड्यूसर है उसका